नमस्कार दोस्तों, बुक समरी अरविंद में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप कोई बिजनेस या स्टार्टअप करना चाहते हैं तो, और अगर इस बुक के 8 स्टेप को लगातार फॉलो करते हैं तो आपके बिजनेस और स्टार्टअप के फेलियर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और उस बिजनेस या स्टार्टअप के चांस सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा। चलिए शुरू करते हैं। इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि क्यों आपको स्टार्टअप की जगह पहले बिजनेस शुरू करना चाहिए और फिर धीरे धीरे उसे स्केल अप करना चाहिए। इससे आपका स्टार्टअप कभी भी फेल नहीं होगा। इस बुक को ऑथर जैसन फ्राइड ने लिखा है। दोस्तों, हर कोई कभी ना कभी अपना स्टार्टअप लगाने की सोचता है, लेकिन बहुत से लोग इसे गलत तरीके से शुरू करते हैं। इसलिए लगभग 95% स्टार्टअप्स शुरू होने के 3 महीने में ही दम तोड़ देते हैं। इसलिए अगर आपका ड्रीम भी कभी स्टार्टअप शुरू करने का है तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। जैसन फरीद ने लिखा है, जो बेस कैंप कंपनी के मालिक हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस प्रोडक्ट हैंडल करने का काम करती हैं। बेस कैंप शुरू करने के दौरान जैसन को जो जो एक्सपीरियंस हुए थे उन्हीं के आधार पर उन्होंने यह किताब लिखी है। इस किताब के बारे में जाने माने अमेरिकन इन्वेस्टर मार्क कोबन ने कहा था कि अगर उनके सामने 2 लोग हों और उनमें से एक ने MBA किया हो और दूसरे ने रिवर्क किताब पढ़ी हो तो वो उसे चूज करेंगे जिसने रिवर्क पढ़ी होगी। तो इससे आपको इस किताब का इम्पोर्टेंस समझ में आ ही गया होगा। आइए अब इस किताब की समरी पढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1, अपनी समस्या को खुद हल करें। स्क्रैच योर ओवन आई टच। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रोडक्ट का आइडिया नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले ये देखो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए, तो वही सॉल्यूशन आपका प्रोडक्ट बन सकता है। इसी को ऑथर ने स्क्रैच योर आई टच कहा है। आई टच का मतलब आपकी प्रॉब्लम हुई और उसे मिटाना सॉल्यूशन हुआ। आइए इसे 2 एग्जांपल से समझते हैं। नंबर 1, नाइक। जूतों की फेमस कंपनी नाइक के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसके शुरू होने का किस्सा बहुत रोचक है। अमेरिका के एथलेटिक्स के कोच बिल बॉवरमैन ऐसे जूते ढूंढ रहे थे जो बेहद स्ट्रॉन्ग हों लेकिन बेहद हल्के भी। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन ऐसे जूते नहीं मिले। इसलिए उन्होंने अपनी वर्कशॉप में लेदर और आयरन का उपयोग करके खुद ही ऐसे जूते डिजाइन कर दिए। इस तरह उन्होंने अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर ली। इन जूतों से एथलीट की रनिंग स्पीड बहुत बढ़ गई और इस तरह नाइक जैसी कंपनी शुरू हो गई जो आगे चलकर पूरे वर्ल्ड में फैल गई। तो दोस्तों, बिल की प्रॉब्लम थी अच्छी रनिंग जूतों का न होना और उन्होंने उसी का सॉल्यूशन निकाला जो उनका प्रोडक्ट बन गया। नंबर 2, आप सब ने लाइफ में कभी ना कभी लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल तो किया होगा। इसका आविष्कार एलिसा ओटिक्स ने किया था, इसलिए लिफ्ट को ओटिक्स भी कहते हैं। वास्तव में उन्हें हर दिन बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थीं जिससे वे परेशान हो गए थे। इसी परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने लिफ्ट का निर्माण करने की सोची। आज सारी दुनिया उनके इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है जो कभी उन्होंने अपने लिए बनाया था। इसलिए दोस्तों, आप भी देखिए कि आपको किसी काम में क्या परेशानी होती है और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने में जुट जाइए। हो सकता है कल को आपके प्रोडक्ट भी सारी दुनिया में इस्तेमाल होने लगें। स्टेप नंबर 2, बिजनेस शुरू करें, स्टार्टअप नहीं। स्टार्ट ए बिजनेस, नॉट स्टार्टअप। दोस्तों, आजकल के युवाओं द्वारा स्टार्टअप शब्द का इस्तेमाल एक फैशन जैसा हो गया है। जिसे देखिए यही कहता मिलेगा, यार मैं स्टार्टअप लगाना चाहता हूँ। जब लोग स्टार्टअप लगाते हैं तो शुरू में ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट खरीद लेते हैं, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में पैसा वेस्ट करने लगते हैं और बहुत सी फंडिंग भी जुटा लेते हैं। ज़्यादा फंडिंग लेने से उन्हें इन्वेस्टर्स के इशारों पर नाचना पड़ता है, उनका खुद का विज़न खो सा जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर जैसे फैंसी शब्द के भ्रम से दूर रहें, बल्कि खुद को एक बिजनेसमैन की तरह देखें। इसके लिए आपको न कोई डिग्री चाहिए न ही सूट बूट। ज़्यादा पचडंडों में पड़े बिना अपना बिजनेस डायरेक्टली स्टार्ट कर दीजिए। जो कुछ आपके पास है उसी का उपयोग करिए, फिर धीरे धीरे बिजनेस को
स्केल अप करते जाइए। जैसे शुरू में एंड्रॉयड का बहुत ही सिंपल सा वर्जन लॉन्च हुआ था, इसके बाद पॉपुलर होने के बाद उसमें अपडेट होते गए और अब तो आए दिन नए नए वर्जन आते रहते हैं। इसी तरह अगर आपको कहीं स्पीच देनी हो तो पहले 10-20 लोगों के बीच दे सकते हैं, फिर 100 लोगों के बीच और फिर बड़ी भीड़ के सामने। इससे आपको कभी भी पब्लिक स्पीकिंग से डर नहीं लगेगा और आप एक परफेक्ट स्पीच दे पाएंगे। ऐसे ही शुरू में बहुत सी फंडिंग लेकर बहुत से लोगों को प्रोडक्ट ना बेचें, इससे आपके प्रोडक्ट में कोई भी क्वालिटी नहीं आ पाएगी। शुरू में कुछ ही लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचें, उनका फीडबैक लें और इम्प्रूव करते जाएं। अगर लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया तो वह खुद ही दूसरों को बता देंगे। आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ेगा और आपका बहुत सा पैसा बच जाएगा। इस स्ट्रेटजी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल राधा किशन धमानी जी हैं, जिन्होंने डीमार्ट का पहला स्टोर मुंबई के पोवाई में शुरू किया था। जब वह चल निकला तो उससे जो प्रॉफिट हुआ उससे उन्होंने और स्टोर खोल लिए। इसी तरह आज उनके सारे इंडिया में 300 से भी ज़्यादा स्टोर हो चुके हैं और वो बिलीनियर बन चुके हैं। इसलिए स्टार्टअप जैसे फैंसी शब्द से बचें और अपने प्रोडक्ट को बिजनेस की तरह बेचना शुरू कर दें। स्टेप नंबर 3, मुख्य बिंदु से शुरू करें। स्टार्ट एट द एपिक सेंटर। जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो तो एपिक सेंटर से स्टार्ट करें, जिसका मतलब है सबसे ज़रूरी चीज़ पर फोकस करें। जैसे अगर आपको रेस्टोरेंट शुरू करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ कौन सी होगी? टेस्टी फूड या शानदार फर्नीचर? सबको पता है कि फूड बहुत अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ फूड ही एपिक सेंटर हुआ। आपको पता ही होगा कि अगर फूड आइटम अच्छी होती है तो लोग सड़क किनारे भी खरीद कर खाते हैं, लेकिन बहुत से लोग उल्टा करने लग पड़ते हैं। वो एपिक सेंटर पर ध्यान न देकर दूसरी फालतू चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं, जैसे रेस्टोरेंट की डेकोरेशन पर खूब सारा पैसा खर्च कर देंगे, जबकि उन्हें वह पैसा अच्छे चीफ और फूड की क्वालिटी पर खर्च करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको घर बनाना है तो सबसे पहले क्या करोगे? तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। फैंसी लाइट और फर्नीचर आदि तो बाद की बात है, इसलिए पहले सेंटर या मेन आइटम पर फोकस कीजिए, तभी आपका बिजनेस सफल होगा। स्टेप नंबर 4, पूरी लगन से प्रोडक्ट बनाएं। प्योर योरसेल्फ इनटू द प्रोडक्ट। लेखक कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट में आपकी पर्सनालिटी नज़र आनी चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करने के लिए उसमें पूरी तरह से रम जाइए, उसे इतना अच्छा बना दीजिए कि कंपटीशन अपने आप ही ख़त्म हो जाए। आपने देखा होगा कि जब आप किसी कंपनी के कस्टमर केयर में बात करते हैं तो वे रोबोट की तरह बात करते हैं, उनमें कोई ह्यूमन टच नहीं होता। इसका उल्टा जापोज नाम की जूतों की कंपनी जब शुरू ही हुई थी तो उनके कस्टमर केयर की सब मिसाल देते थे। उनके कर्मचारी आपसे दोस्त की तरह बात करते थे और आपकी कंप्लेंट पर जल्दी से रिएक्ट करते थे। इससे कस्टमर को बहुत ही अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मिलता था। इस तरह जापोज के ऑनर ने अपने प्रोडक्ट को एक पर्सनल टच दिया था और आगे चलकर वह एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई और उसे अमेज़न ने ख़रीद लिया। स्टेप नंबर 5 बताने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। स्टेप नंबर 5, ज़्यादा मीटिंग्स न करें। अवॉइड मीटिंग्स। दोस्तों, बेवजह की मीटिंग दूसरों का बहुत सा टाइम वेस्ट करती हैं। ज़्यादातर लोग मीटिंग्स में सिर्फ अपना ओपिनियन रखने के लिए आते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि वे बहुत महान सोचते हैं, लेकिन इस तरह सब लोग अपना अपना ओपिनियन रखते हैं और असली काम को कोई दिशा नहीं मिल पाती। इसके अलावा इंटेलिजेंट लेकिन सही लोग ज़्यादा बात नहीं करते और उनके वैल्यूएबल पॉइंट को ही नहीं सुनता, इसलिए अच्छा है कि ज़्यादा मीटिंग्स अवॉइड करें। लेकिन हाँ, मीटिंग्स को पूरी तरह भी हटाया नहीं जा सकता, अदरवाइज आप एम्प्लॉयज से फीडबैक नहीं ले पाएंगे और वर्क प्रोग्रेस का भी पता नहीं चलेगा। इसलिए कम मीटिंग रखें और उनका टाइम भी सीमित कर दें ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मीटिंग के शुरू में ही टाइमर लगा दें, जैसे ही अलार्म बजे मीटिंग ख़त्म कर दें। जब सभी कंपनीज रैम और गीगाहर्ट्ज़ के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही थीं, उसी समय स्टीव जॉब्स अपना आईपॉड लेकर आ गए। उनका बहुत ही सिंपल मोटो था, 1000 सॉन्ग्स
इन योर पॉकेट, और लोगों ने धड़ाधड़ ये प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया। इसलिए दोस्तों, अपने कस्टमर्स के लिए चीज़ों को आसान रखिए, चाहे अंदर कितनी भी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन प्रोडक्ट बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। स्टेप नंबर 7, असफलता के लिए तैयार रहें। फेल मैनी टाइम्स। बहुत से लोग फेल होने से इतना डरते हैं कि वे कुछ भी शुरू नहीं कर पाते, जबकि ऑथर कहते हैं फेलियर एक पॉसिबिलिटी नहीं होती बल्कि नेसेसिटी होती है। हर सफल आदमी के पीछे बहुत से फेलियर होते हैं जो लोगों को नज़र नहीं आते, इसलिए आप फेल होने से मत डरिए, बल्कि यह सोच बनाइए कि मैं बार बार फेल होने के लिए तैयार हूँ। हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, बस उस सीख को अपनाकर अपनी गलतियों को सुधारिए और अपने प्रोडक्ट आदि को इम्प्रूव कीजिए, लेकिन हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहिए। स्टेप नंबर 8, हायर लेस एम्प्लॉयज़। कम एम्प्लॉय से काम चलाइए। दोस्तों, शुरू में जितने एम्प्लॉयज़ ज़रूरी हों उतने ही हायर कीजिए, और सिर्फ क्वालिटी एम्प्लॉयज़ ही हायर कीजिए, क्योंकि इनसफिशियंट एम्प्लॉय आपकी कंपनी के लिए घातक सिद्ध होंगे। हायर करते समय आप सिर्फ उनकी क्वालिफिकेशन पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि उनके द्वारा लिखे गए कवर लेटर को भी ध्यान से पढ़िए, जिससे आपको पता चलेगा कि उनके सोचने का ढंग कैसा है। क्या उन्होंने वह खुद लिखा है या किसी से कॉपी पेस्ट कर लिया है। एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने के बाद उसे फ्री हैंड दीजिए। हर चीज़ में मीन में एक मत लिखाइए। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप उन पर पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं, इससे एम्प्लॉय पूरी लगन से काम करेगा। दोस्तों, अगर आपको जैसन फरीद द्वारा लिखी गई बुक रिवर्क से, रिवर्क के 8 स्टेप से कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।